यीशु। परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और उस जीवित परमेश्वर का, जो शांतियों का राजकुमार है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, अपनी आराधना उस परमेश्वर को देंगे, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। वो आज हमें चंगाई, छुटकारा और शांति देने वाले हैं। यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर, कल, आज और हमेशा के लिए आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु।
हमारा जीवन परमेश्वर आपने हमें सृष्टि करा कि हम आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता। और आज की सुबह हम यहाँ पे एक साथ आपके बच्चे आपके आराधना करने के लिए आए प्रभु, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि चंगाई उद्धार सिर्फ और सिर्फ आपसे है परमेश्वर पिता। आपके नाम में है चंगाई, आपके नाम में है मुक्ति, आपके नाम में है भलाई, और आपका नाम ही जीवन है परमेश्वर। आपको आराधना करते हैं।
जीवित परमेश्वर की ओर समर्पण करें, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपकी बीमारी से, आपकी परेशानी से आपको आज़ाद कर सकता है। आपकी बीमारी शारीरिक नहीं, पर अगर मानसिक बीमारी है तो परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है। आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका पेट में दर्द, आपके घुटनों में दर्द, सब कुछ वो परमेश्वर चंगा कर सकता है। और सिर्फ ये नहीं, पर अगर आपके जीवन में डर है, आप किसी चीज़ से घबराते हैं, परमेश्वर वो ठीक कर सकता है। आपके बिगड़े रिश्तों को परमेश्वर ठीक कर सकता है। आपके घर के उस एरिया में परमेश्वर आप अपनी हीलिंग को दे सकता है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। आइए उस जीवित परमेश्वर को पुकारें और उस चंगाई को आज रिसीव करें। आज यहाँ से उस चंगाई को लेके जाए जो हमें वो परमेश्वर देता है, मुफ्त में पर प्यार के साथ। Thank you.
मेरे प्रियो, आज की सुबह वो अल शदाए, वो एलोहीम, वो यहोवा राफा, वो आदोनाए, वो यहोवा ईरे हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और जिस प्रकार बाइबल बताता है, जहां उसकी उपस्थिति है वहां शांति की भरपूरी है। हालेलुया। वहां आनंद की भरपूरी है, वहां चंगाई की भरपूरी है। हालेलुया। वहां बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा राफा खुद अपने लोगों की स्तुति में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हाथों को उठाकर कुछ समय लेकर हम उसकी आराधना करें, उस यहोवा राफा की, उस अल शदाई की, उस अदोनाई की, वो इस यहोवा ईरे की, ओ वो एलोहीम, वो अदोनाई जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया। ओ जिसके आगे हर घुटना झुक जाएगा, हर जुबा इस बात का अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, और वो 24 प्राचीन अपने मुकुटों को उसके सामने रखकर और दंडवत कर कर दिन रात ही आराधना करते हैं और कहते हैं, पवित्र, 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 जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो अदोनाई, वो एलोहीम आज की सुबह यहाँ हाजिर है। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा बा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। मेरे प्रियो, अगर आपको चंगाई की आवश्यकता है शारीरिक रूप से, यदि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, क्यों नहीं आज की सुबह हम विश्वास करें वो यहोवा राफा वो चंगा करता है। हालेलुया। जो गीत अभी हमने गाया वो सच है, और होने दे आज की सुबह ये सच हमारे जीवनों की गवाही बन जाए कि प्रभु तू सच में चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि हम में से हैं कुछ बंधनों में, निराशाओं में, हम भय में हैं, प्रभु आज की सुबह हम उस भय की दीवारों को भी यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रभु उन निराशाओं में, प्रभु हम तेरी शांति को बोलते हैं। प्रभु ओ प्रभु उन बंधनों में हम तेरी स्वतंत्रता और आजादी को बोलते हैं। प्रभु और उन बीमारियों के पर यहोवा राफा हम तेरे नाम को बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की सुबह अदोनाई एलोहीम हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु लॉर्ड वी वर्शिप यू। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो इस आराधना के योग्य हो। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सारा आदर और महिमा हम पलट कर आप ही को देते हैं, क्योंकि सच में सारे स्तुति और प्रशंसा और जलाल और महिमा के योग्य आप ही हैं। यीशु के नाम में विनती को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Let's open to the Gospel of Luke chapter 22. और लूका उसका 22 अध्याय हम लोग खोलेंगे। I'm going to not preach a sermon, I'm not teaching, just a short meditation. और मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटा मनन है जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। I'm not promising it'll be short, but it's a meditation. और मैं ये वायदा नहीं कर रहा कि वो छोटा होगा, लेकिन मनन है वो। We are before the table of the Lord today. और आज हम लोग परमेश्वर की, प्रभु की मेज के आगे हैं। And we are going to partake of this table in a while from now. और थोड़ी देर में हम इसमें से भाग लेंगे। My meditation today will be about this table. और मेरा मनन आज इस मेज के बारे में होगा। Because you need to understand why we participate in this table. क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि इस मेज में हम भाग क्यों लेते हैं। Why is it that only those who are saved and born again and baptized can participate in this? केवल वो लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है, पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया है, केवल वही लोग क्यों इसमें भाग ले सकते हैं। And so that's what the meditation is about. और इसी बारे में आज हम मनन करेंगे। Let's read this passage from verse 14 to 20. और आज हम लोग अभी पढ़ेंगे 22 अध्याय लूका का, उसका 14 से। जब घड़ी आ पहुंची तो वे प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उससे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा
लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। You notice in two places Jesus is referring to the future kingdom of God. और यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो दो जगहों पर प्रभु यीशु मसीह एक जो आने वाला जो भविष्य का परमेश्वर का राज है उसके बारे में बताते हैं। In verses 16 and 18. 16 और 18 आयत में। He makes reference to the future. और वो भविष्य का हवाला देते हैं। I just want you to keep that in mind. मैं चाहता हूँ उसको आप अपने दिमाग में बना के रखें। हे पवित्र आत्मा, आज की सुबह मेरी प्रार्थना है आप हम में से हर एक के मन को और दिल को अपने वश में लो। जब हम इस मनन की ओर हम अपने ध्यान को लगाते हैं, मेरी प्रार्थना है कि कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति हमारे ध्यान को ना भटकाने पाए। और मेरी प्रार्थना है हर एक जन जो इस छत के नीचे बैठे हैं वे सब प्रभु आपके वचन की ओर अपनी ध्यान लगाने पाएँ। और पवित्र आत्मा हमें आप सिखाएँ जो बातें आप हमें दिखाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हों जो मसीही परिवार से हों, जो इन बातों को पहले से जानते हैं, लेकिन जो बातें पहले से जानते हैं उनमें भी आप कोई नई बात सिखाने के आप सिखा सकते हैं। सो पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करो, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज गॉड। एट द वेरी हार्ट ऑफ द लाइफ एंड द हिस्ट्री ऑफ चर्च वर्शिप, और कलीसिया की जो आराधना है उसकी शुरुआत और उसका जो मुख्य केंद्र है, जो हृदय है, was the celebration of the Lord's Supper. वो है प्रभु भोज का जश्न मनाना। और in the early days this celebration was known by different names. और शुरुआती दिनों में ये जो जश्न है ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। So I will be passing on small bits of information that you probably never knew about. और थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। For example, उदाहरण के लिए, all of you know ABCD, right? आप सब ABCD जानते हैं। ABCD, EFG. What is after that? LOMNOP. It is not LOMNO, it is LMNO, but we say LOMNO for some reason. Okay, QRSTUV W. How many of you know that W is actually double U? और कितने लोग जानते हैं वो W जो हम लोग बोलते हैं वो double U है? The letter U, double, that's what we call W. और उसी को हम लोग W बोलते हैं। Okay, not many of you knew that. बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। But you know W, right? लेकिन W पता है आपको। You learned it from nursery. और नर्सरी से सीखा है। So there are some Christians here who know everything in the Bible from nursery. So कुछ है ऐसे मसीह जो नर्सरी से पूरी बाइबल जानते हैं। And yet something new you will catch this morning if you listen by the Holy Spirit. और आज कुछ नया आप सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। So the early church used to come together for these celebrations. और शुरुआती कलीसिया एक साथ इकट्ठा होती थी इस जश्न के लिए। And they would call it the agape feast. और उसको वो अगापे जश्न कहते थे। Or love feast. या प्रेम जश्न कहते थे, प्रेम पर्व। Because they celebrated the love of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का वो पर्व और आनंद और जश्न मनाते थे। Not only the love of God, but the love of God's people. केवल परमेश्वर का ही प्रेम नहीं, लेकिन उसके लोगों का भी आपस में प्रेम। Because this feast is made possible only because God so loved the world that He gave. क्योंकि ये पर्व तभी पूरा होता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Amen. So it's a celebration of love. और ये प्रेम का जश्न है। And then as the church grew, there was history that we look back at. One phrase in the Greek we come across, some of you may have heard, this is known as the Eucharist. और जब इतिहास बढ़ता चला गया, कलीसिया बढ़ती चली गई, तो एक यूनानी शब्द था
उसमें से जो आप में से कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना होगा जो कहलाता है यूक्रिस्ट. यूक्रिस्ट इज अ टर्म टुडे व्हिच इज यूज्ड मेनली बाय द रोमन कैथोलिक चर्च एंड द मेनलाइन चर्चेस. और यूक्रिस्ट वो शब्द है जो रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के द्वारा और मेनलाइन चर्चेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. यूक्रिस्ट इज सिंपली अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस टू गिव थैंक्स. और यूक्रिस्ट एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है धन्यवाद देना. सो दिस फीस्ट इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन ऑफ गिविंग थैंक्स टू गॉड. और ये भोज जो है ये एक जश्न है परमेश्वर को धन्यवाद देने का. यू गिव थैंक्स टू गॉड फॉर सेंडिंग जीसस. आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यीशु को भेजने के लिए. यू गिव थैंक्स टू जीसस फॉर कमिंग टू द अर्थ. आप यीशु को धन्यवाद देते हैं इस पृथ्वी पर आने के लिए. एंड यू थैंक जीसस फॉर डाइंग ऑन द क्रॉस. और आप यीशु का धन्यवाद देते हैं क्रूस पर मरने के लिए. एंड सो It is a love feast. और इसलिए ये एक प्रेम भोज है. It is a feast of thanksgiving. धन्यवाद का भोज है. It is also a feast of remembrance. और यादगारी का भोज है. Because Jesus said, "Whenever you do this in remembrance of me." क्योंकि यीशु ने कहा, जब भी तुम किया करो मेरे स्मरण में यही किया करो. So that is what this feast is all about. और इसी बारे में ये पूरा भोज है. Now, some of you may be familiar with the background of this feast. हो सकता है आप में से कुछ लोग इस भोज की पृष्ठभूमि को जानते होंगे. But many of you do not know the background. लेकिन बहुत से लोग पृष्ठभूमि को नहीं जानते होंगे. So I will help you understand a little bit of the background of why we do this or why Jesus did this when we read it in Luke. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि क्यों ऐसा होता था और यीशु मसीह ने भी ऐसा क्यों किया. The feast of the Passover was a celebration that was done by the Jewish people even today. और फसा का पर्व एक ऐसा पर्व होता था जो यहूदी लोगों के द्वारा आज भी किया जाता है. What did they celebrate? वो क्या जश्न मनाते हैं? They celebrated the deliverance of God's people from slavery. वो परमेश्वर के लोगों का छुटकारा बंधुवाई से जो हुआ उसका जश्न मनाते हैं. Pretty much like we celebrate Independence Day. जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. When do we celebrate that? कब मनाते हैं हम लोग? 15th August. So we celebrate freedom from British rule. और हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं जो हमें अंग्रेजों से मिली. The Jews celebrate their freedom from Egyptians. और यहूदी लोग अपनी स्वतंत्रता मनाते हैं मिस्रियों से. Because the Egyptians had enslaved this community of people for many years. क्योंकि मिस्रियों ने इस लोगों को बहुत ही सालों से बंदी बना रखा था. And so this is way after Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, after all these people and patriarchs, there came a time when these people were taken as captives and treated as slaves, and 400 years they were in slavery. और ये सब अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसके बाद यूसुफ, और उसके बाद जब लोगों को बंदी बनाया गया और 400 वर्ष तक वो लोग बंधन में रहे. इन दिस टाइम ऑफ स्लेवरी देयर ग्रोनिंग्स एंड देयर ग्रम्बलिंग्स एंड देयर क्राइज ऑफ पेन इट ऑल रीच्ड हेवन. और जब वो बंधवाई में थे उस दौरान उनका रोना, उनका पुकारना, उनकी पीड़ा स्वर्ग तक पहुंची. एंड व्हेन गॉड हर्ड देयर क्राइज, और जब परमेश्वर ने उनके रोने को सुना, ही प्लान्ड आउट अ डिलीवरेंस प्रोग्राम फॉर द इज़राइलाइट्स. तो परमेश्वर ने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए एक योजना बनाई. दैट प्रोग्राम बिगैन विथ वन मैन. और वो योजना एक व्यक्ति के साथ शुरू हुई. डू यू नो हू? आप जानते हैं कौन? मूसा, मोसेस. मोसेस एट वन टाइम हैड अ वेरी डिवाइन एनकाउंटर विथ गॉड. और मूसा का एक बार में परमेश्वर से एक दिव्य आमना सामना हुआ. He had an encounter where God gave him instructions. और उसका ऐसी मुठभेड़, ऐसा आमना सामना हुआ जब परमेश्वर ने उसको निर्देश दिए. This happened in the wilderness. और ये बयाबान में हुआ. And God directed Moses to go to Egypt. और परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि मिस्र में जाओ. And he said, go and speak to two people. और कहा, दो लोगों से बात करो जाके. One, पहला, go to Pharaoh. फिरौन के पास जाओ. एंड कन्वे माय मैसेज, और मेरा संदेश उस तक पहुंचाओ. सेकंड पीपल, और दूसरे लोग, द पीपल ऑफ इज़राइल, इज़राइल के लोग, गो एंड कन्वे माय मैसेज, उनको भी जाके मेरा संदेश दो. एंड सो मोसेस व्हेन ही हर्ड गॉड्स इंस्ट्रक्शंस, और जब मूसा ने परमेश्वर के निर्देश को सुना, ही स्टार्टेड फीलिंग इनएडिक्वेट. उसको लगा कि वो इस लायक नहीं है. यस. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग गॉड क्वेश्चंस, और वो परमेश्वर से सवाल करने लगा.
how he was going to communicate God's word. कि वो कैसे परमेश्वर के संदेश को उन तक पहुंचाएगा? With authority. अधिकार के साथ. How was he going to do it? कैसे वो करेगा? He was saying, why would the Israelites follow me? वो कहने लगा, इजरायली मेरी बात क्यों मानेंगे? Why should they believe me? वो क्यों मेरा विश्वास करेंगे? Why should Pharaoh listen to me? फिरौन क्यों मेरी सुनेगा? Who am I in front of Pharaoh? मैं हूं कौन फिरौन के सामने? Sometimes we behave the same. कुछ बार हम भी ऐसा ही करते हैं. God tells us to do some things. परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं. Out of 100 people, और 100 में से only 5 people able to hear God telling them do this. केवल 5 लोग हैं जो सुन पाते हैं कि परमेश्वर उनको क्या करने के लिए कह रहा है. What are the other 95 people doing? बाकी 95 लोग क्या करते हैं? They are so busy in their work. वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं. They are so busy in their job. अपनी नौकरियों में इतना व्यस्त रहते हैं. They are so busy in the cares of the world. इस संसार की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं. They are not able to hear God's voice. और वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते. God has been telling continuously, I want you to do this, I want you to do this, I want you to do this, but परमेश्वर उनसे कहता रहता है, मैं चाहता तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन नहीं सुनते. सुनाई नहीं दिया. Busy. व्यस्त. The five people who hear, 5 लोग जो सुनते हैं, 3 people give excuses. 3 उसमें से बहाना बना देते हैं. Oh, I cannot do this, I cannot do that, I can't talk, I don't have good dress, I don't have height, I am mota, I don't have good hair, I don't have a photogenic face, I don't have this, I don't have that. और वो कहते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, और तमाम बातें वो बोलते हैं. Excuses. बहाने बनाते हैं. है ना? Some of us also give excuses. और हम में से भी बहुत से लोग बहाने बनाते हैं. अरे पाई साहब, हम कहाँ, आप हैं, आप ही करिए, हम क्या, हम कुछ भी नहीं है. Excuses. बहाने बनाते हैं. Excuses. बहाने. You are one of those people who give excuses. और आप भी हैं शायद जो उन बहानों को बनाते हैं. Moses came up with a list of excuses. मूसा एक बड़ी सूची के साथ आया. Here's what God said. ये है जो परमेश्वर कहता है. Moses. मूसा. I want you to go. मैं चाहता हूँ तुम जाओ. Go and tell them. जाओ उनसे जाके कह दो. Tell my people. मेरे लोगों को बता दो. I have heard your cry. मैंने उनका रोना सुना है. And go and tell Pharaoh. और फिरौन से कह दो. I have heard the cry of my people. मैंने अपने लोगों का रोना सुना है. Let my people go. मेरे लोगों को जाने दो. That they can come up to my mountain. कि वो मेरे पहाड़ पर आकर. Which I will show them. जो मैं उन्हें दिखाऊंगा. And they will worship me. और मेरी आराधना करें. Again, tell the Israelites. इज़राइलियों से कह दो. Go pack up everything. कि सामान बांधो. Quickly. जल्दी. So that you can leave Egypt quickly. ताकि तुम मिस्र को जल्दी छोड़ सको. And so God empowered Moses. और परमेश्वर ने मूसा को बल दिया. Empowered him to perform miracles. और उसको चमत्कार करने का बल दिया. And so that he can authenticate to both parties that God has sent him. ताकि वो दोनों पक्षों के लोगों को ये साबित कर सके कि परमेश्वर ने भेजा है उसको. After this encounter. और इस मुठभेड़ के बाद अ कॉम्पिटिशन बिगैन. एक चुनौती शुरू हो गई. नहीं, एक प्रतियोगिता शुरू हो गई. कॉम्पिटिशन. एक प्रतियोगिता. बिटवीन हु? किसके बीच में? गॉड थ्रू मोसेस. और परमेश्वर मूसा के द्वारा. ऑन वन साइड. एक तरफ. एंड फेरो एंड द डिमोनिक फोर्सेस थ्रू द मैजिशियंस ऑन द अदर साइड. और फिरौन उसके जादूगरों के साथ दूसरे तरफ. There's a big competition. एक बड़ी प्रतियोगिता. Now this is a big drama that God is enacting now. और ये एक बड़ा एक नाटक है जो यहाँ पर किया जा रहा है. But it's not a फालतू का नाटक. लेकिन ये कोई व्यर्थ नाटक नहीं है. It is a बहुत काम का नाटक. ये काम का एक नाटक है. So God then decides to send a plague. फिर परमेश्वर एक विपत्ति भेजते हैं. Moses first performs a miracle. और मूसा पहले चमत्कार करता है. And then the Egyptians perform the same miracle. फिर मिस्री भी वही चमत्कार करते हैं. Then Moses did something else. फिर मूसा कुछ और करता है. The magicians also did something else. अब वो मिस्री जादूगर भी कुछ करते हैं. अरे ये तो बराबर चल रहा है यहाँ पे, क्या कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा, दोनों एक ही चल रहे हैं. Sometimes it feels like that. No, we pray to God and at the same time our enemy is also prospering. What is happening, Lord? Who is on the winning side? और कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन हम देखते हैं हमारा शत्रु भी बढ़ता चला जा रहा है. Who is on the winning side? कौन जीत रहा है? Is it God's people who are winning or is it opposition who is winning? क्या परमेश्वर के लोग हैं जो जीत रहे हैं या विरोधी है जो जीत रहे हैं?
Does it ever feel like that to you sometimes? क्या कभी ऐसा लगता है आपको? I pray that those of you who have come to sleep have very restful sleep here in God's presence. और मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग यहाँ पर सोने के लिए आए हैं आप सभी को बहुत ही आरामदायक नींद आए परमेश्वर की उपस्थिति में. Yes, be blessed. You're not able to sleep at home at night. आप रात में घर पे नहीं सो पाए आराम से यहाँ सोइए. You can enjoy blessed sleep here in God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छी नींद आती है. But the rest of you, you know. be alert and listen to God's word. लेकिन बाकी लोग जितने जाग रहे हैं आप लोग जरा ध्यान से सुनिए. There were 10 plagues. और 10 विपत्तियां थीं. And in a dramatic way, God did His work. और एक नाटकीय रूप में परमेश्वर ने अपने कार्य को किया. But in each plague, from plague number 1 right up to plague number 10, we see the intensity and the gravity of the plague increasing with each plague. और हम देखते हैं पहली विपत्ति से लेके 10वीं विपत्ति तक जो गंभीरता है विपत्ति की वो बढ़ती चली जा रही है. And so as this drama between Moses and Pharaoh escalates, the people of Israel are watching and waiting. The people of Egypt are also looking and watching. और जब मूसा और फिरौन के बीच का ये नाटक बढ़ता चला जाता है तो इजरायली लोग भी देख रहे हैं और मिस्री लोग भी देख रहे हैं. One plague would fall on the Egyptians. एक विपत्ति मिस्रियों पर आती है. Then Pharaoh will say, अच्छा, you go, go, go. तो फिरौन कहता है ठीक है तुम जाओ लोगों को लेके. But as soon as he says go, लेकिन जैसे ही वो कहता है तुम जाओ, he immediately revokes it. वो फिर से अपने उस वचन को पलट लेता है. And he says no, don't go. और कहता है नहीं, नहीं जाने दूंगा. Then the next plague comes. फिर दूसरी विपत्ति आती है. Why did Pharaoh say don't go? क्यों फिरौन कहता है मत जाओ? Because it says something specific. Why did Pharaoh say don't go? क्यों फिरौन ने जाने के लिए मना किया? Yes, परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया. Okay, that is why Pharaoh said no. और इसी वजह से फिरौन ने कहा नहीं. Why did God harden Pharaoh's heart? क्यों परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया? Plague number 2. दूसरी विपत्ति. Pharaoh said go. फिरौन कहता है ले जाओ. Immediately he said don't go. फिर वो कहता है मत जाओ. Third plague. तीसरी विपत्ति. Pharaoh says go. फिर फिरौन कहता है जाओ. With some conditions. और कुछ शर्तों के साथ. And then the plague stops. फिर विपत्ति रुकती है. God hardens his heart. फिर परमेश्वर उसके हृदय को कठोर करते हैं. He says no. और वो कहता है नहीं जाने दूंगा. Plague after plague after plague after plague, the same cycle happens. और फिर विपत्ति के बाद विपत्ति के बाद विपत्ति और यही चलता रहता है. God kept hardening Pharaoh's heart. और परमेश्वर फिरौन के हृदय को कठोर करते आए. You know why? आप जानते हैं क्यों? Listen to this. इस बात को सुनिए. He did that so that God was able to make it very clear to the Israelites that they were not liberated because of Pharaoh's mercy. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इसराइलियों को स्पष्ट रूप से यह साबित करने के लिए कि उनको छुटकारा फिरौन की दया की वजह से नहीं मिला. But it was purely God's mercy that they were liberated from Egypt. लेकिन वो परमेश्वर की दया थी जिस वजह से वो मिस्र से निकल के आए. If it was Pharaoh's mercy, और अगर वो फिरौन की दया होती, then in their hearts, तो उनके हृदयों में, they would forever be grateful to Pharaoh. वो हमेशा फिरौन के प्रति धन्यवादित रहते. But that was not what God wanted. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा. He doesn't like it when somebody else steals his glory. उसको नहीं पसंद है जब कोई उसकी महिमा चुराता है. So he kept hardening Pharaoh's heart. इसलिए वो फिरौन का हृदय कठोर करते रहे. Harden Pharaoh's heart. वो फिरौन का हृदय कठोर करते रहे. Right up to the ninth plague. और नवी विपत्ति तक. He hardened Pharaoh's heart. उसने फिरौन का हृदय कठोर किया. I wonder sometimes whether Pharaoh himself began to wonder why am I hardening my heart. मैं सोचता हूँ कई बार फिरौन ने भी सोचा होगा अरे मैं क्यों अपना हृदय कठोर कर रहा हूँ. But he was not in control of himself. लेकिन वो अपने नियंत्रण में नहीं था. Because it says clearly God hardened Pharaoh's heart. क्योंकि स्पष्ट लिखा है परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया. I want you to identify in your life certain such situations where you think that God is doing something intentionally. और मैं चाहता हूं आप अपने जीवन में ऐसी कुछ बातों को पहचानिए जो परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ कर रहे हैं. इफ गॉड इज डूइंग समथिंग इंटेंशनली इन योर लाइफ इट कुड बी बिकॉज ही वांट्स यू टू बी केयरफुल इन द एंड टू गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड नोबडी एल्स. और यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ जानकर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंत में आप सारी महिमा परमेश्वर को दें ना कि किसी और को. And so there came this final moment. और फिर ये आखिरी पड़ाव आता है. This is the climax of the drama. और ये बिल्कुल अंतिम बात है इस नाटक की. चरण सीमा. चरण सीमा की बात है. The climax. और ये चरण सीमा का मुद्दा है. The climax says
और वो कहता है when Moses declared that now your firstborn will die, when Moses declared that, Pharaoh got really wild and angry and fully upset with Pharaoh. और जब मूसा ने ये घोषणा करी कि तुम्हारे पहलौठे मर जाएंगे, तब फिरौन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया, परेशान हो गया. Okay, sorry, these technical things. If God places in somebody's heart to buy me one of these, God will bless you abundantly. यदि परमेश्वर आपके हृदय में डालता है कि आप एक ऐसा कॉलर माइक दें, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दें. All right. And so, when Moses declared that, मूसा ने जब ऐसी घोषणा करी, Pharaoh responded by saying, फिरौन ने ये कहकर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, Go away from me. मुझसे दूर निकल जाओ. Take care never to show your face to me again. और ध्यान रखना कि अपना चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना. Because the moment you show your face to me, क्योंकि जिस पल तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओगे, you will die. तुम मर जाओगे. And Pharaoh was so furious. और फिरौन बहुत ही ज्यादा क्रोधित था. And in this point of the drama, और इस चरण में नाटक के, Moses made a counter declaration. मूसा ने उसी के जवाब में एक घोषणा करी. He said, उसने कहा, you have spoken well. तुमने ठीक बोला फिरौन. Because क्योंकि I मैं will never see your face again. तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा. You see, many times in our lives there are situations that come that the enemy brings. कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो शत्रु लाता है. There are events in our lives that not Satan, but we bring upon ourselves. और ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जो शैतान तो नहीं, लेकिन हम खुद लाते हैं. And then there are events that God brings. और फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो परमेश्वर करते हैं. So in the drama of our lives, there are three key people. तो हमारे जीवन के नाटक में तीन मुख्य किरदार होते हैं. God, परमेश्वर, me, मैं, Satan, और शैतान. And when those times come when Satan brings about certain events in my life, और जब ऐसा समय आता है जब शैतान इस प्रकार की कुछ घटनाएं मेरे जीवन में लाता है, he looks at me and he points his finger at me. तो वो मुझे देखता है, मुझ पर अपनी उंगली उठाता है. And he tells me, और मुझसे कहता है, boy, बेटा, you are nobody. तुम कुछ नहीं हो. You are nothing. तुम कुछ नहीं हो. You stand nowhere. तुम कहीं नहीं टिक पाते. You are a negative person. तुम एक नकारात्मक व्यक्ति हो. You are unfruitful. तुम बिल्कुल फलवंत नहीं हो. You are unsuccessful. तुम असफल व्यक्ति हो. And you will remain like that. और तुम ऐसे ही बने रहोगे. Have you heard those messages? क्या सुना है आपने ऐसे संदेशों को? Yes. Sometimes those messages comes through my papa or my mummy. और कई बार ऐसी बातें हमारे मम्मी और पापा के द्वारा आ जाती है. I have heard parents say, तुम ये हो, बेकार हो, कुछ नहीं कर पाओगे. और मैंने सुना है माता पिताओं को अपने बच्चों से बोलते हुए, जीवन में कुछ नहीं बनोगे. They pronounce curses upon their children. और वो अपने बच्चों के ऊपर ऐसा श्राप की घोषणा करते हैं. I am giving you a little side note here. और मैं एक आपको किनारे की बात बताता हूँ. Nothing to do with the sermon. संदेश से इसका मतलब नहीं है. When you refer to children, your children or other children, जब आप बच्चों को, अपने बच्चे या दूसरे बच्चों को, don't say तुम शैतानी कर रहे हो. बात करते हैं तो उससे ये मत बोले कि तुम शैतानी कर रहे हो. Okay? शैतानी is attached with शैतान. और शैतानी शैतान से जुड़ा हुआ है. Is your बच्चा शैतान? क्या आपका बच्चा शैतान है? Then how is he doing शैतानी? तो यदि वो शैतान नहीं है तो शैतानी कैसे कर रहा है? He is not doing शैतानी. वो शैतानी नहीं कर रहा है. It has become a common word where we don't even think about it twice. और एक आम शब्द बन गया है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं बोलने से पहले. Don't use the word शैतानी. शैतानी मत इस्तेमाल किया करें.
बदमाशी ओके नटखट नॉटी मिसचीवस इज फाइन नॉट शैतानी शैतानी ना बोलें ऑलराइट एंड व्हेन यू एड्रेस योर चिल्ड्रन डोंट प्रोक्लेम नेगेटिविटी इनटू देयर लाइव्स और जब बच्चों से आप बात करते हैं तो नकारात्मकता को उनके ऊपर आप ना बोलें इवन व्हेन दे मेक यू एंग्री जब वो आपको गुस्सा भी दिलाते हैं तब भी I am an experienced father. I know what I'm talking about. मैं एक अनुभवी पिता हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. My oldest child is 24 years old. और मेरा बड़ी बेटी 24 वर्ष की है. So I'm not कल का पिता. मैं ऐसा नहीं अभी हाल में ही पिता बना. All right. I'm talking out of experience. मैं अनुभव से बता रहा हूँ. Pronounce blessings upon your children. अपने बच्चों पर आप आशीष बोलें. Even if they make you upset. और यदि वो आपको गुस्सा भी दिलाएं. Even if your face is like this. और ऐसा भी मुंह अगर आपका बन जाता है यू से गॉड ब्लेस यू तब भी आप बोलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे मे यू ग्रो टू बी सक्सेसफुल और तुम सफल बनो इवन विद दैट फेस उस सड़े हुए मुंह के साथ भी प्रोनाउंस ब्लेसिंग्स अपॉन योर चिल्ड्रन अपने बच्चों पर आप आशीष बोलें आई नो देयर आर सम ऑफ यू सिटिंग हियर टुडे और कुछ यहां पर बैठे हैं Who have not heard a good word from your parents? जिन्होंने आज तक अपने माँबाप से अच्छी बातों को नहीं सुना. You have not heard encouraging words from your parents. आपने अपने बच्चों से प्रोत्साहित करने वाली बातों को अपने माँबाप से प्रोत्साहित करने वाली बातों को नहीं सुना. While you were growing up. और जब आप बड़े हो रहे थे. All you heard your father do was shout and scream and yell and nothing else. और जो आपने देखा वो बस यही था कि आपके पिता चिल्लाते थे, आपको डांटते थे, मारते थे. All your mother would do was just probably cry or she would also be shouting at you. या आपकी माँ बस केवल या तो रोती रही या वो भी आपको मारती थी या चिल्लाती थी. Some of you may have grown up like that. कुछ हैं जो इस वातावरण में बड़े हुए. I'm here to tell you this morning, God knows your background, He knows your history and He is offering His love to you. और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर अपना प्रेम आपको प्रस्तुत करता है क्योंकि वो जानता है आपकी पृष्ठभूमि को स्पीक ब्लेसिंग्स अपॉन योर चिल्ड्रन अपने बच्चों पर आशीष बोलें स्पीक अ पॉजिटिव वर्ड अपॉन देम और सकारात्मक बात आप बच्चों पर बोलें बिकॉज व्हाट यू स्पीक इट रिंग्स इन देयर इयर्स क्योंकि जो आप बोलते हैं वो उनके कानों में गूंजता रहता इट रिंग्स फॉर मेनी इयर्स इट रिंग्स इन देयर इयर्स और कई सालों तक उनके कानों में वही गूंजता रहता इवन व्हेन दे हैव ग्रोन अप टू बी एडल्ट्स इन देयर हार्ट्स दे कैन हियर दोज वर्ड्स एज इफ इट वाज स्पोकन यस्टरडे और भले ही वो जब अपने जीवन में व्यस्क भी हो जाते हैं तब भी वो बातें उनके दिमाग में ऐसे ही गूंजती हैं जैसे कल ही उनसे बोली गई हों स्पीक गुड इनटू देयर लाइव्स अच्छा बोले उनके जीवन में आप एंड सो When Satan comes about and brings such situations into your life, और जब शैतान आपके जीवन में इस प्रकार की किसी स्थिति को लाता है, and he tells you you are nothing, और आपसे कहता है तुम कुछ नहीं हो, the Bible says that Jesus Christ has filled you with His Holy Spirit, the same Holy Spirit that was in Jesus, and the same Spirit that raised Jesus from the dead, that Spirit is in you. और वो पवित्र आत्मा यीशु ने कहा वो पवित्र आत्मा उसने आपको दिया है वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में था वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को पुनरुत्थानित किया वही पवित्र आत्मा आप में भी है एंड सो व्हेन सैटन व्हिस्पर्स दीस थिंग्स इनटू योर ईयर्स और जब शैतान आपके कानों में इन बातों को बोलता है यू हैव द पावर एंड द अथॉरिटी टू टर्न अराउंड तो आपके पास सामर्थ्य है और अधिकार है कि आप उसकी ओर मुड़े एंड फॉर यू टू पॉइंट योर फिंगर एट सैटन और आप शैतान पर उंगली उठा के बोले And you can say, yes, I may be nothing. आप बोल सकते हैं हाँ शायद मैं कुछ नहीं होऊंगा. Maybe I have not been fruitful. और शायद मैं फलवंत भी नहीं रहा. But in my Jesus Christ, I am more than a conqueror. लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ. You turn his accusation around. और उसके इल्जाम उसके दोषों को अब मोड़ दीजिए. Turn it around and Fire it back at him. और उसको मोड़ कर आप उसी पर धावा बोलिए. And give it back to him. और उसको वापस लौटाइए. Just as Moses here said, I will never see your face again. जैसा मूसा ने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा. What are you saying that you will not see my face? तुम क्या? I will not see your face. तुम क्या कहते हो कि तुम मुझे नहीं देखोगे दोबारा? मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखूंगा. That was the power and the authority that God has placed upon Moses. और ये सामर्थ्य और अधिकार था जो परमेश्वर ने मूसा के ऊपर ठहराया था. And the last plague was the, like I said, the climax. It was the worst plague for the Egyptians. और जो आखिरी विपत्ति थी, जो चरम सीमा की विपत्ति थी,
वो थी पेलोटो की मृत्यु. इट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम फेरोज हाउस डाउन टू इवन द लीस्ट अमंग देम. और वो फिरौन से लेके जो सबसे निचले वर्ग का था उस सबका पेलोटा मर गया. बाय नाउ फेरो वॉज कंप्लीटली ब्रोकन. और अब फिरौन पूरी तरीके से टूट चुका था. एंड नाउ गॉड वॉज नॉट गोइंग टू हार्डन हिज हार्ट इमीडिएटली. और अब परमेश्वर तुरंत उसका हृदय कठोर नहीं करने वाले. बिकॉज रिमेंबर गॉड इज प्लेइंग आउट दिस ड्रामा. क्योंकि परमेश्वर इस नाटक को कर रहे हैं. इट इज नॉट फेरो. ये फिरौन नहीं है. इट इज नॉट मोसेस. ये मूसा नहीं है. इट इज नॉट सैतान. ये शैतान भी नहीं है. इट इज गॉड डायरेक्टिंग दिस ड्रामा. लेकिन परमेश्वर है जो निर्देशक कर रहे हैं इस नाटक का. एंड सो हार्डनिंग फेरोज हार्ट. और फिरौन का हृदय कठोर कर रहे हैं. नॉट नाउ. अभी नहीं. जस्ट वेट अ मिनट. और रुकिए थोड़ी देर. फर्स्ट आई विल गिव टाइम टू माय चिल्ड्रन टू लीव इजिप्ट and afterwards I will one more time harden Pharaoh's heart. और अभी रुक के पहले मेरे लोगों को मौका मिल जाए कि वो मिस्र से निकल जाए और थोड़ी देर के बाद मैं उसके हृदय को फिर कठोर करूंगा. So now Pharaoh says, okay, go. और अब फिरौन कहता है ठीक है निकलो यहां से. Go. जाओ यहां से. Get out from here. निकल जाओ यहां से. Don't come back. मत लौट कर आना दोबारा. Stay away from here. दूर रहना मुझसे. You have been a problem to me. तुम मेरे लिए समस्या अब रहे. Get out of this place. निकल जाओ इस स्थान से. And while the Egyptians were mourning and crying and weeping, और जब वो मिस्री लोग रो रहे थे विलाप कर रहे थे, the Israelites were starting to rejoice and to celebrate because finally their prayers have been answered. और इजरायली लोग आनंद मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका था. When you read these stories in the book of Exodus, all that I described happened in chapters up to 11. और जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये आप निर्गमन में 11 अध्याय तक में ये सारी बातों को पढ़ सकते हैं. Then in chapter 12 of Exodus, और निर्गमन के 12 अध्याय में, God has commanded them to burst forth into celebration in a particular way. परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया कि जश्न मनाए एक तरीके से जो परमेश्वर बताते हैं. This celebration was to be in the form of a feast. और ये एक पर्व के रूप में ये जश्न होना चाहिए. Now it is critical for us to understand that there are sacraments of the New Testament in the life of the church. और ये हमारे लिए समझना मुश्किल है कि जरूरी है कि नए नियम में जब हम कलीसिया का भाग हैं, we understand that these sacraments are signs and seals. तो हमें ये समझना है कि ये चिन्ह है और कुछ मोहरे हैं. They are signs and seals of something extremely important that is about to take place. और ये कुछ चिन्ह है और मोहर है कि कुछ अद्भुत जो होने वाला है. When God told Moses to institute the Passover feast, और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस फसे के पर्व को आयोजित करो, He gave instructions and said, each family must take and choose a lamb. और उसने निर्देश दिया कि हर परिवार एक मेमने को चुने. एंड दैट लैम शुड बी स्पॉटलेस ब्लेमलेस विदाउट रिंकल और स्पॉट. और वो जो मेमना हो वो निष्कलंक हो, निर्दोष हो और बिना किसी दाग का हो. एवरी फैमिली वन लैम. हर एक परिवार के लिए एक मेमना. एंड दे मस्ट बी वन ईयर ओल्ड मेल्स. और कम से कम एक साल पुराना वो एक साल की उम्र का होना चाहिए. आइदर शीप और गोट. चाहे वो भेड़ हो और चाहे वो बकरा हो. ऑन द 10th डे ऑफ द मंथ यू सेलेक्ट. और 10वें दिन महीने के तुम उसको चुनो. यू फीड द लैम वेल. और तुम उस मेमने को अच्छे से खिलाओ पिलाओ. टिल द 14th डे. 14वें दिन तक. बिकॉज बाय देन. क्योंकि तब तक द लैम विल बिकम. और वो मेमना तंदुरुस्त हो जाएगा. यस. एंड देयर विल बी समथिंग टू ईट. और कुछ खाने के लिए अच्छा मिलेगा. गॉड वॉज फैटनिंग द लैम. और परमेश्वर मेमने को और मोटा कर रहे. And then he says, on the 14th day, और फिर वो कहते हैं 14वें दिन, in the evening, शाम के समय में, you are to kill the lamb, तुम्हें उस मेमने को मारना है, and you are to prepare the lamb to eat,
और उसको खाने के लिए तैयार करना है. एंड यू हैव टू कलेक्ट द ब्लड आफ्टर किलिंग द लैम्ब. और उस मेमने को मारने के बाद उसका लहू लेना है. यू हैव टू कलेक्ट द लैम्ब इन अ कटोरी. और उसके लहू को एक कटोरे में लेना है. एंड देन टेक अ ब्रश. और एक ब्रश लेना है. एंड अप्लाई द लैम्ब ऑन द डोर पोस्ट एंड द लेंटल ऑफ द हाउस. और उस मेमने के लहू को अपने दरवाजे की चौखटों पर और ऊपर लगाना है. सो दैट ताकि इन द नाइट रात में व्हेन द एंजल ऑफ डेथ कम्स जब मौत का दूत वहां से गुजरे जब वो आए ही विल सी द ब्लड ऑन योर डोर पोस्ट तो वो आपके दरवाजों पे चौखटों पे लहू को देखे एंड देन ही विल पास ओवर और फिर वो उसके ऊपर से चला जाए. ही विल नॉट अप्रोच द डोर वो उस द्वार तक नहीं आए. व्हाई क्यों बिकॉज ऑफ द ब्लड उस लहू के कारण. ओके एंड देन ही सेज यू आर टू रोस्ट द लैम्ब तुम्हें उसको भूनना है उस मेमने को. यू कैन नॉट बॉइल इट तुम उसे उबाल नहीं सकते. यू कैन नॉट प्रिपेयर करी आप उसका तरी नहीं बना सकते. इट हैज टू बी रोस्टेड उसको भूनना है. एंड देन यू हैव टू हैव इट विद बिटर हर्ब्स और उसको कुछ कड़वे कड़वे साग के साथ खाना है. ऑलराइट यू हैव टू हैव इट विद इवन अनलिवेंड ब्रेड और अखमीरी रोटी के साथ खाना है. Why unleavened bread? क्यों अखमीरी रोटी? Because that can be prepared quickly. क्योंकि वो जल्दी बनाई जा सकती है. Okay, why roast? और क्यों भुना हुआ? It is quicker. क्योंकि वो जल्दी बन जाता है. All right. Now, when you sit for lunch or dinner, और जब आप भोजन खाने बैठे at your table, अपनी मेज पे, I hope you sit at the table. मुझे आशा है आप मेज पे बैठ के खाते होंगे. And not in front of the TV. टीवी के सामने नहीं. Okay. So when you sit at the table, और जब आप मेज पे बैठते हैं. You sit there, both your hands are free, and hopefully, because today both hands are not free. One hand is this, and the other hand is this. और जब आपके दोनों हाथ खाली हो, क्योंकि आज के समय में दोनों हाथ खाली होना मुश्किल होता है. एक हाथ में फोन रहता है, दूसरे हाथ से खाते हैं. But on an average, both hands are free. लेकिन ज्यादातर दोनों हाथ खाली हो. And you eat and you talk and you know that's how you have your meal. और जब आप खाते हैं, आप आपस में बात करते हैं. But that night. लेकिन उस रात God gave specific instructions. परमेश्वर ने खास निर्देश दिए. He said you have to wear a loose robe. और कहा कि ढीले कपड़े पहनने होंगे. Okay, I'll tell you why. मैं बताता हूं क्यों. And then he says you have to sit at the table with one छड़ी in your hand. और फिर उसने कहा कि एक छड़ी लेकर उस मेज पे बैठना होगा. Can you picture that? Can you imagine yourself sitting at your table with one छड़ी? क्या आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं आप टेबल पे बैठे एक छड़ी लेके. बट दैट वाज गॉड्स इंस्ट्रक्शन. लेकिन यही परमेश्वर ने निर्देश दिया था. यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? बिकॉज़ गॉड सेड. क्योंकि परमेश्वर ने कहा आई विल गिव यू जस्ट अ मोमेंट्स नोटिस. मैं केवल एक पल का ही मौका दूंगा. इमीडिएटली यू हैव टू लीव. और तुरंत ही तुम्हें वहां से निकलना होगा. सो क्विकली यू हैव टू लीव. और जल्दी निकलना होगा. दैट इज व्हाई द क्विकली फ्रेज वॉज वेरी वेरी कॉमन इन दैट नाइट. और इस वजह से वो जल्दी का जो ये शब्द है ये बड़ा सामान्य था उस रात. फॉर दैट नाइट उस रात के लिए. क्विकली मेक द रोटी. जल्दी से रोटी बनाना. क्विकली मेक द रोस्ट. जल्दी से भूनना. एंड होल्ड द छड़ी. और छड़ी पकड़ना. पैकिंग ऑलरेडी डन. सामान पहले बांध चुके हैं. As soon as Moses gives the command. और जैसे ही मूसा आज्ञा दे तुरंत लीव. तुरंत निकल जाना. इट वॉज दैट जल्दबाजी दैट वॉज क्रिएटेड बिफोर बाय मोसेस. दे वर रेडी टू लीव इमीडिएटली. और यहां पर वो जल्दबाजी करी गई जिसकी तैयारी पहले से हो गई थी ताकि मूसा के कहते ही वो लोग तुरंत निकल सके. Why? क्यों? Because there were lakhs of people. क्योंकि लाखों लोग थे. And they had to leave in that one night. और एक ही रात में उन सबको निकलना था. They had to exit the city. और उस शहर से निकल जाना था. They had to cover a distance. और एक बड़ी दूरी तय करनी थी. They had to do it quickly. और जल्दी करना था. And that is why all these instructions. और इसी वजह से ये सारे निर्देश. Dear friends. मित्रों, sometimes God, when He gives instructions, we do not understand immediately why we should do this, but we are blessed if we just obey. कुछ बार परमेश्वर जब निर्देश देते हैं तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन जब हम उनको करते हैं तो हम आशीष पाते हैं. We are blessed. हम आशीष पाते हैं. And so unconditional obedience is something that the Word of God encourages us. और एक ऐसी आज्ञाकारिता जो बिना किसी शर्त के हो वो परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है करने के लिए. All right, so this night God was pouring out His wrath upon Egypt.
और इस रात परमेश्वर अपना क्रोध मिस्र पर उंडेल रहे थे, अपॉन फैरो फिरौन पर उंडेल रहे थे, अपॉन द इनहैबिटेंट्स ऑफ इजिप्ट और मिस्र में रहने वालों पर उंडेल रहे थे, बट द इज़राइलाइट्स लेकिन इज़राइली बिकॉज ऑफ द ब्लड उस लहू के कारण दे वर सेव्ड फ्रॉम द रॉथ ऑफ गॉड वो परमेश्वर के क्रोध से बच गए. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट सेटन अटैकिंग दीज पीपल. अब समझिए कि वो शैतान नहीं है जो इन लोगों पर हमला कर रहा है. इट वॉज गॉड्स डिवाइन प्लान वो परमेश्वर का एक अलौकिक दिव्य योजना है. बिकॉज गॉड्स पीपल वर बींग परसिक्यूटेड क्योंकि परमेश्वर के लोग सताए जा रहे थे. एंड सो गॉड इन हिज डिवाइन प्लान अरेंज्ड दिस ड्रामा और परमेश्वर ने अपनी योजना में इस नाटक का आयोजन किया. दैट फीस्ट दैट नाइट और उस रात दैट फीस्ट वॉज इनॉग्यूरेटेड और वो जो पर्व था उसका उद्घाटन हुआ. एंड दैट फीस्ट इज नोन एज द पासओवर फीस्ट और वो पर्व फसा का पर्व जाना जाता है. इट इज बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब दैट द इज़राइलाइट्स वर सेव्ड वो मेमने का लहू था जिसके द्वारा इज़राइली लोग बचाए गए. एंड डू यू नो Not only Israelites, there were many Egyptians also who applied the blood on their door. और केवल इज़राइली नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मिस्री भी थे जिन्होंने उस लहू को अपने द्वारों पर लगाया. Not only Israelites. केवल इज़राइलियों ने नहीं. Because many Egyptians they believed that the God of Moses was the true God and a powerful God. क्योंकि बहुत से इज़राइलियों ने भी माना कि मूसा का परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है. एंड इट सेज इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट गॉड गेव फेवर टू मोसेस इन द आईज ऑफ द पीपल और उसमें लिखा है कि यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा मूसा को मिस्रियों के सामने भी उसकी दृष्टि में अति महान बनाया. यू नो वेयर इट्स रिटन टर्न टू एक्सोडस चैप्टर 11 और निर्गमन उसका 11 खोलिए. Exodus chapter 11, we read this statement, this testimony about Moses. और इस गवाही को हम मूसा के बारे में सुनते हैं. Exodus chapter 11, verse number 3. और निर्गमन 11 और उसका तीसरा वचन. तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया. उसके अतिरिक्त वे पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था. Did you see that? Moses was found great in the eyes of Pharaoh's officials. और मूसा फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने दृष्टि में महान माना गया. फिरौन नहीं, ओनली फिरौन्स अधिकारी और फिरौन के अधिकारियों कर्मचारी और साधारण लोगों की दृष्टि में महान माना गया. Can you imagine that? Can you believe that? क्या विश्वास कर सकते हैं? That the same country, the same group of people, there is one small jund that actually regarded Moses in high esteem. और उस देश में एक छोटा झुंड ऐसे लोगों का भी था जिसने मूसा को बड़ा महान माना. And God through Moses told them, go to your neighbors, ask them for jewelry and they will give you. और मूसा ने कहा उन लोगों से जाओ पड़ोसी के पास जाओ और उनसे उनके जेवरात मांगो और वो देंगे. But the wrath of God that came, that saved, that the Israelites were saved from because of the blood, here is the significance. और लेकिन जो इज़राइली लोग परमेश्वर के क्रोध से उस मेमने के लहू के द्वारा बच गए उसका महत्व यह है. Not only are we saved by God, हम केवल परमेश्वर के द्वारा ही नहीं बचाए जाते, but we are also saved from God. लेकिन परमेश्वर से भी बचाए जाते हैं. What do I mean by saved from God? और परमेश्वर से बचाए जाने का क्या अर्थ है? We are saved from His wrath. हम उसके क्रोध से बचाए जाते हैं. We are saved from His punishment. हम उसकी सजा से बचाए जाते हैं. Why? क्यों? Only because of the blood. केवल उसके लहू के कारण. Only the blood. केवल लहू. Saved the Israelites from the wrath of God. केवल वो लहू था जिसने इज़राइलियों को परमेश्वर के क्रोध से बचाया. So they were saved by God and they were saved from God. वो परमेश्वर से बचाए गए और परमेश्वर के द्वारा बचाए गए. So that night when the angel of death came, he killed the firstborn of the Egyptians. और जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा तो उसने मिस्रियों के पिलौठों को मारा. Moses led the Israelites out of bondage. मूसा ने इज़राइलियों की अगुवाई करी बंधुआई से निकलने में. He led them through the Red Sea. और लाल समंदर से लेकर उनको गुजरा. Now look at the symbolic acts. और अब देखिए यहां पर कुछ कार्यों. First is salvation. पहला उद्धार.
The blood of the lamb. मेमने का लहू. The next step is baptism. दूसरा है बपतिस्मा. By immersion. और डुबकी का बपतिस्मा. When the Israelites went through the Red Sea, it is symbolic of the baptism that we go through. जब इजरायली लोग उस लाल समंदर से होकर निकले तो वो दर्शाता है वो बपतिस्मा जो हम लेते हैं. Okay, because when you walk through the sea. क्योंकि जब आप समुंदर से होकर निकलते हैं. And it was the entire nation that walked through the sea. तो वो पूरा राष्ट्र था जो उस समुंदर से होकर निकला. If the water were at its normal level, और अगर पानी अपने आम स्तर पर होता, they would have been underwater. तो वो पानी के अंदर होते. So it was symbolic. तो वो दर्शाता है. Of our water baptism by immersion. हमारा पानी का बपतिस्मा जो डुबकी के द्वारा होता है. So they were saved from Egypt. वो मिस्र से बचाए गए. They were baptized in the Red Sea. वो लाल समुंदर में बपतिस्मा पाए. And they received new life in the Promised Land. और वायदे के स्थान में उन्हें नया जीवन मिला. Because there they became God's people under the covenant at Mount Sinai. क्योंकि वो वहाँ पर परमेश्वर के लोग बने उस वाचा पे जो सिनाई पर्वत पर बांधी गई. And there God gave an instruction. और परमेश्वर ने वहां पर निर्देश दिया. He said, "This Passover meal must be done by you every year." और कहा कि ये फसा का पर्व का जो भोज है वो तुम्हारे द्वारा हर वर्ष किया जाना चाहिए. Why should it be done every year? क्यों हर वर्ष किया जाना चाहिए? So that you remember the night that you were delivered. ताकि तुम उस रात को याद रखो जिस रात में तुम्हें छुड़ाया गया. It is in remembrance of the night of deliverance. और ये उस रात के छुटकारा जो हुआ उसके याद में है. And then Moses said, "Teach your children." फिर मूसा कहता है अपने बच्चों को भी सिखाओ. Why we celebrate the Passover? कि हम क्यों फसा के पर्व को मानते हैं? Teach them the word of God. उन्हें भी परमेश्वर का वचन सिखाओ. Do you see something similar in the New Testament? क्या नए नियम में भी आप कुछ ऐसा होता हुआ देखते हैं? Jesus said, "Do this in remembrance of me." यीशु ने कहा मेरे स्मरण में यही किया करो. Moses said, "Do this in remembrance of salvation." मूसा ने कहा उद्धार के स्मरण में ये किया करो. It is in remembrance. वो यादगारी में so किया every year the Jews would celebrate this feast year after year, every year. तो हर वर्ष यहूदी लोग इस जश्न को मनाते थे. Even in the time of Jesus in Gospel of Luke. और लूका में यदि हम देखें उसके सुसमाचार में तो उस वक्त भी. That night it was this feast that they were enjoying together. उस रात वो यही पर्व था जो वो जश्न मना रहे थे. The Passover feast. फसा का पर्व. Did you get the background now? क्या आपको पृष्ठभूमि समझ में आई? Yes, you enjoying your sleep? अच्छे से नींद आ रही है? Praise God. Be sleep in heavenly peace. और स्वर्गीय शांति में आप सोएं आराम से. All right. Now when we come to Jesus celebrating the Passover. और अब जब हम यीशु के पास आते हैं जब वो फसा का पर्व मनाते हैं. He said, "I have been longing for tonight." वो कहते हैं कि मैं इस रात का इंतजार कर रहा था. I have been wanting to celebrate this Passover with you tonight. और मैं आज रात तुम्हारे साथ इस फसा को मनाने का इंतजार कर रहा था. But then he did something amazing. लेकिन फिर उसने कुछ अद्भुत किया. He took out the significance of the old Passover. उसने पुराने फसा का जो महत्व था उसको लिया. He took it out. उसको हटाया. And he instituted a new significance to the Passover. और उस फसा के पर्व को एक नया महत्व दे दिया. He said, उसने कहा, the old Passover, पुराना फसा, was in celebration of liberation from Egypt. वो मिस्र से छुटकारे के जश्न में था. It was the blood of an animal. वो एक जानवर के लहू के द्वारा था. That they were saved. जिससे वो बचाए गए. But now tonight, लेकिन आज की रात, this is my blood. ये मेरा लहू है. Which is going to be shed for you. जो तुम्हारे लिए बहाया जाने वाला है. The blood of the new covenant. वो नई वाचा का लहू. Now it's no longer the animal. अब वो और ज़्यादा कोई जानवर नहीं है. It is no longer on the wooden doorpost. और किसी दरवाजे की चौखट पे भी जरूरत नहीं है. But it is going to be my blood. लेकिन वो मेरा लहू है. On the doorpost of your heart. जो तुम्हारे हृदय के द्वारा चौखटों पर लगेगा. And he says, if you apply this blood on your heart. और यदि तुम अपने हृदय के चौखटों पर इस लहू को लगाते हो. He says, you shall be saved from the curse of sin, from the elements of sin,
from everything that the devil holds over your life. तो वो कहता है तुम पाप के श्राप से छुड़ाए जाओगे और हर एक शैतान जो तुम्हारे ऊपर पकड़ रखता है उससे छुड़ाए जाओगे. You will have new life. तुम्हारा नया जीवन होगा. You will have access to eternal life. तुम्हारा अनंत जीवन का पहुंच होगी. Your name will be written in the book of life. तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा. You shall be made the righteousness of God. तुम परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए जाओगे. You will be a new creation. तुम एक नई रचना होगे. All things are passed away. पुरानी बातें बीत गईं. But now everything will become new. और सब कुछ अब नया होगा. Just as the significance of this Passover is becoming new. और जैसे इस फसा के पर्व का महत्व नया हो रहा है. He says, now it's not the animal. वो कहता है अब वो जानवर नहीं. Now this is my blood. मेरा लहू है. And says this bread. और कहता है ये रोटी. It's not that bread made out of गेहूं. और वो गेहूं की बनी रोटी नहीं. But he says, this is my body, लेकिन मेरी देह है, which is going to be broken for you, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है. You are going to eat this bread, तुम इस रोटी से खाओगे, the bread of life, और वो जीवन की रोटी, the bread of heaven, वो स्वर्ग की रोटी, that is the bread that you are going to participate, वो है वो रोटी जिसमें तुम भागीदार होगे. Jesus changed the entire concept. यीशु ने पूरा तरीका ही बदल दिया. And he made it into something new. और कुछ नया उसको बना दिया. I am attaching a new significance. मैं एक नया महत्व I am the Passover. मैं ही फसा हूं. I am the Paschal Lamb. और मैं ही वो फसा का मेमना हूं. It is me. मैं हूं. About me. वो मेरे बारे में है. And therefore, the blood that I shed. और इसलिए जो लहू मैं बहाता हूं. Is going to matter to you. वो तुम्हारे लिए बड़ा महत्व रखेगा. And he also said. और उसने कहा. The next 24 hours are going to change your life. और अगले 24 घंटे तुम्हारा जीवन बदल देंगे. By then Jesus had not died. और अभी तक यीशु मरे नहीं थे. But in 24 hours Jesus is going to die. लेकिन अगले 24 घंटे में यीशु मरने वाले थे. He will become that sacrificial lamb. और वो बलिदानी मेमना बनेगा. Whose blood is going to be used to cover us. और जिसका लहू इस्तेमाल होगा हमें ढाकने के लिए. So that we can be saved from the wrath of God. ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएं. And God is the one who is going to save us from his own wrath. और परमेश्वर है जो हमें अपने खुद के क्रोध से बचाएगा. The blood of the lamb. मेमने का लहू. Jesus said, this is about that. यीशु ने कहा ये उसके बारे में है. And so God who operates in dimensions of time. और इसलिए वो परमेश्वर जो समय में कार्य करता है. He operated in the past. उसने अतीत में काम किया. He operates in the present. वो वर्तमान में काम करता है. And he refers to the future. और वो भविष्य के बारे में भी बताता है. He refers to the future. वो भविष्य के बारे में बताता है. You remember Paul said by participating this we proclaim the coming of our Lord. पौलुस कहता है इसमें भागीदार होने से हम प्रभु के आगमन को बताते हैं. Yes, you remember that? In Corinthians, he said that we proclaim the coming of our Lord. वो कहता है हम प्रभु के आगमन को घोषणा करते हैं. So when we participate in this meal, और जब इस भोज में हम भागीदार होते हैं, we look at the past. हम अतीत को देखते हैं. Now we are not looking at Egypt. और अभी हम मिस्र को नहीं देखते. But we are looking at the cross. लेकिन क्रूस को देखते हैं. Because it was at the cross that Jesus offered himself as a sacrifice. क्योंकि वो क्रूस है जिस पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया. It was at the cross that he shed his blood. वो क्रूस है जिस पर उसने अपने लहू को बहा दिया. It was at the cross that the salvation plan of God for mankind was fulfilled. वो क्रूस है जिस पर परमेश्वर ने वो मनुष्य के लिए उद्धार की योजना को पूरा किया. And in the present, और वर्तमान में, we are giving thanks to God. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. We remember the past. हम अतीत को याद करते हैं. And in the presence, we give thanks to God. और वर्तमान में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. We express our love to God. परमेश्वर को अपना प्रेम दर्शाते हैं. And then we look to the future. और भविष्य की ओर देखते हैं. Why do we look to the future? क्यों हम भविष्य की ओर देखते हैं? Because Jesus referred to the future. क्योंकि यीशु ने भी भविष्य के बारे में कहा. He told them in verse number 16. और 16 आयत में. Luke 22:16. लूका 22 का 16. I will not eat again until the Passover finds fulfillment in the kingdom of God. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उससे कभी ना खाऊंगा. And then verse 18, I will not drink until I come in the kingdom of God. और फिर वो कहता है 18 आयत में कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाख का रस नहीं पीऊंगा. All right, and then I want you to look at verse number 29. और फिर मैं चाहता हूँ 29 आयत को भी आप देखें. Or verse 28. या 28. तुम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर
खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो. यू सी द प्लान ऑफ गॉड. आप परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं. द प्लान इज फॉर द फ्यूचर. और भविष्य के लिए योजना है. एंड जीसस व्हाइल इंस्टीट्यूटिंग दिस पासओवर. और यीशु इस जब फसा को जब कराते हैं. ही ड्रॉज देयर अटेंशन टू द फ्यूचर. वो उनका ध्यान भविष्य की ओर ले जाते हैं. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द पास्ट. तो वो केवल अतीत के बारे में नहीं है. इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रेजेंट. वो वर्तमान के बारे में केवल नहीं है. बट इट इज आल्सो अबाउट द फ्यूचर. लेकिन वो भविष्य के बारे में भी है. वी प्रोक्लेम द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड. हम अपने प्रभु के आने की घोषणा करते हैं. एंड देन एट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस. और यीशु के दूसरे आगमन पे. व्हेन द किंगडम ऑफ God is fully come. जब परमेश्वर का राज पूरी रीति से आ जाएगा. Then we shall reign with him. तो हम उसके साथ राज करेंगे. And Jesus was also referring to the great wedding feast. और यीशु एक बड़े विवाह के बारे में भी बात करता है. A feast. एक पर्व विवाह का पर्व. Yes, wedding feast. विवाह का पर्व. He refers to this in Revelation chapter 19. और प्रकाशित वाक उसके 19 में वो बताता है. I want you to open your Bibles and I want you to stand with me. और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और अपनी बाइबल को खोल लें. Revelation chapter 19. प्रकाशित वाक उसका 19. Take your Bibles, not your phones. Take your Bibles. अपने फोन नहीं लेकिन बाइबल उठाइए. Revelation chapter 19. Prakashit Vag uska 19. Are you there? Revelation chapter 19. Kya aapne Prakashit Vag uska 19 khola? All right. Here's what we read in verse number 6. Aur 6 mein likha hai. Fir maine badi bheed ka sa aur bahut jal ka sa shabd aur garjan ka sa bada shabd suna. Badi bheed suna. Okay? Yohanna is seeing a vision and in that vision he sees a badi bheed. Aur Yohanna ek darshan dekhta hai aur us darshan mein ek badi bheed ko dekhta hai. There is a small bheed here tonight, this morning. Aur aaj ki subah yahan ek choti bheed hai. I want you to read the remaining passage. Main chahta hu baki ka jo pad hai wo aap padhiye. Read the remaining from the word hallelujah. Read it down to verse number 8. I want you to read it loudly. Aur main chahta hu छठे आयत में जो हालेलुया है वहां से लेकर आठवीं आयत तक आप लोग जोर से पढ़ें. ओके, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ऑलराइट, गो अहेड, रीड. पढ़िए जोर से. हालेलुया. For the wedding of the Lamb has come. और क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है. And his bride has made herself ready. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. Who is the bride? दुल्हन कौन है? If the bride is here, can the bride lift their hand? अगर दुल्हन यहां पर है तो क्या दुल्हन अपना हाथ उठा सकती है? Yes, those who know they lifted, those who don't know have not lifted. और जिन्हें पता है उन्होंने उठा लिया, जिन्हें नहीं पता उन्होंने नहीं उठाया. एंड देन इट सेज फाइन लिनन स्टैंड्स फॉर द राइचियस एक्ट्स ऑफ गॉड्स होली पीपल. क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम. इट इज दिस फीस्ट दैट जीसस इज टॉकिंग अबाउट. और वो ये पर्व है जिसके बारे में यीशु बात करते हैं. He's talking about the great wedding feast. वो उस महान विवाह के पर्व की बात करते हैं. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ दैट फीस्ट. ये प्रभु भोज हमें उस पर्व का याद दिलाता है. एंड सो वी सी द पास्ट. और इसलिए जब हम अतीत देखते हैं, we see the present while we are here today. हम वर्तमान देखते हैं जब आज हम यहाँ पर हैं. And then we look into the future. और फिर हम भविष्य को देखते हैं. This feast declares all of this. और ये पर्व हमें ये सब कुछ घोषणा करती है.